students, this video lecture is on programming in C for B 4 semester EPMB students and diploma second semester CSE students by Ms. Neelam Sharma, assistant professor CSE department from Bharati College of Engineering and Technology Durg. Iske previous video lecture mein humne structure padha tha ki structure kya hota hai, kaise kaam karta hai, usme uske simple programs hain. उसी का सिमिलर टाइप एक और ऐसी है जिसको हम बोलते हैं यूनियन. इसमें मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि यूनियंस आर कॉन्सेप्ट बोरोड फ्रॉम स्ट्रक्चर, देयरफॉर फॉलो द सेम सिंटेक्स. मतलब जो सिंटेक्स हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था, जो चीज़ें हमने स्ट्रक्चर में पढ़ी थी, वो सिमिलर है वो यूनियन के सिवाय उनके नाम के. पर जो मेजर डिफरेंस है, बट द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम इज इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज. यूनियन और स्ट्रक्चर का जो मेजर डिफरेंस है वो स्टोरेज के टर्म्स पे है. बाकी सिंटैक्स, काम करने का तरीका लगभग सब वैसा ही है जैसा हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा. मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ पहले स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस क्या है, फिर हम आगे उसके प्रोग्राम्स पढ़ेंगे. जैसे हम लोग स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते थे, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह है. और मैं यहाँ पर लिखती हूँ स्ट्रक्चर, तो जो टैग है वो स्ट्रक्ट है. इसके बाद अगर मैंने क्या लिया है ऑथर, तो वो एक बाइट है. और अगर मैंने फ्लोट लिया है प्राइस, तो वो चार बाइट है. तो ये जो था वो स्ट्रक्चर के लिए था. ये जो नॉर्मल डेटा टाइप का डिक्लेरेशन है कि इंटीजर दो बाइट लेता है, मेमोरी में फ्लोट चार लेता है और कैरेक्टर वन बाइट लेता है. तो स्ट्रक्चर क्या करता है, जितने भी डेटा मेंबर्स हम लेते हैं और उनके जो डेटा टाइप्स रहते हैं वो उसको अकॉर्डिंगली मेमोरी में इस्टेब्लिश करता है और उसको स्पेस देता है कि इंटीजर दो बाइट चाहिए तो दो बाइट देगा, फ्लोट को चार बाइट चाहिए तो चार बाइट देगा. पर जब हम यूनियन में यही काम करते हैं सिमिलरली टू स्ट्रक्चर, तो यूनियन देखता है कि सबसे बड़ा इसमें जगह खेलने वाला डेटा टाइप कौन सा है. तो आप इन फ्लोट क्या लिखेंगे, जो सबसे जगह खेलने वाला डेटा टाइप है वो है फ्लोट, जो कि चार बाइट लेता है. तो वो क्या करेगा, चार बाइट का एक ब्लॉक बनाएगा जिसमें दो बाइट वो इंटीजर को दे देगा, एक बाइट को कैरेक्टर को दे देगा और बाकी की चार जो पूरी बाइट्स हैं वो किसकी हो जाएंगी, फ्लोट. तो वो क्या करता है, आप एक तरह से सिंपल लैंग्वेज
डिक्लेयर कर देता है। और सबसे क्या करता है, हर डेटा टाइप को अलग अलग मेमोरी लोकेशन में अलग अलग जगह पर सेव करता है। तो ये जो है दोनों का डिफरेंस है बहुत इम्पोर्टेंट, तो मैंने लिखा भी था यूनियन है ये स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का काम है कि जो भी उसके डेटा मेम्बर्स हैं उनको अलग अलग लोकेशन में अलग अलग टाइप के हिसाब से स्टोर करें। और क्योंकि वहाँ हम कीवर्ड यूनियन यूज करते हैं, वहाँ स्ट्रक्ट यूज करते हैं। इसके बाद मैं एक यूनियन का प्रोग्राम लिखूंगी तो वो आपको फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सिंपल यूनियन का प्रोग्राम सबसे पहले हमारे दोनों हेडर फाइल्स वॉइड नेम, अगर आप वॉइड नेम नाम हेडर फाइल के बीच में डिक्लेयर करेंगे यूनियन तो वो ग्लोबल कहलाएगा, वॉइड नेम के अंदर डिक्लेयर करेंगे तो वो लोकल कहलाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया। पहले तो हमने एक यूनियन बनाया ए बी सी का, उसके अंदर तीन अलग अलग डेटा टाइप्स लिए ए बी सी कैरेक्टर का फ्रूट टाइप के, और उसके बाद यहाँ पर हमने इसका वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर दिया। अब देखिए एक्स डॉट ए इज इक्वल्स टू बी लिख रही हूँ, कल भी मैंने बताया था आपको स्ट्रक्चर में कि हमको डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है, बिना डॉट ऑपरेटर के ना हम प्रिंटर में लिख सकते हैं ना हम स्कैनर में लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है यूनियन का, इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए यूनियन के बारे में कि यहाँ हमारे दोनों हेड ऑफ फाइल्स हैं, हैशिंग की यूनिवर्सिटी है हैशिंग। उसके बाद अगर हम वाइट मेन से पहले यूनियन डिक्लेयर करते तो वो ग्लोबल होता, पर क्योंकि हमने यहाँ डिक्लेयर किया है तो वो लोकल होता। यूनियन के अंदर तीन डेटा टाइप्स हैं, डेटा मेंबर्स क्या रहे ये जो है वो क्या है यूनियन का वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट।
इसके बाद यहाँ पर देखें हमने क्या लिखा है, एक्स डॉट एल इज इक्वल टू बी। बी क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो डेटा मेंबर है ए वो किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, इसलिए हमने जो वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया था एक्स और जो हमने डेटा मेंबर डिक्लेयर किया था ए उसके साथ उसको लिंक करने के लिए डॉट ऑपरेटर लगाया और एक्स डॉट एल इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है, फिर उसको प्रिंट करा दिया। सिमिलरली एक्स डॉट बी इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू 100 के लिए क्योंकि यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रही थी, पॉइंट नहीं लेना था, इसलिए यहाँ पे हमने 100 लिया, उसको प्रिंट कराया। फिर एक्स डॉट सी इज इक्वल टू 10.25 लिखा, तो यहाँ पर ये फ्लोट टाइप का था इसका यहाँ पर हमने 10.25 लिखा, तो इसकी वैल्यू जो है प्रिंट आउट होगी कैसे आएगी, एक्स डॉट ए इज इक्वल टू बी, एक्स डॉट बी इज इक्वल टू 100 और एन डॉट सी इज इक्वल टू 10.25, क्योंकि आपने वही प्रिंट कराया था परसेंट सी परसेंट बी और परसेंट एस। तो ये सिंपल प्रोग्राम था यूनियन का, आपको समझ में आया होगा बिना डॉट ऑपरेटर के ना यूनियन ना स्ट्रक्चर हम कोई भी वेरिएबल्स और डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए हम प्रिंटर को स्कैनर को वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हमको डॉट ऑपरेटर के साथ उसको एसोसिएट करके उसको यूज करना ही पड़ता है। मैं एक और प्रोग्राम लिखती हूँ यहाँ पर स्ट्रक्चर और यूनियन में, उससे आपको और क्लियर हो जाएगी चीजें। हमारी हेडर पार्ट चाहिए यहाँ पर, उसके बाद हम ग्लोबली भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लोकली भी डिक्लेयर कर सकते हैं स्ट्रक्चर ग्लोबली को। यहाँ पर हम साइज ऑफ ऑपरेटर को भी यूज करेंगे, पहले यूनियन ले लेते हैं, यूनियन का नाम लिखा है ABC, उसके डेटा मेंबर्स को क्लियर करेंगे। सेम अभी जो पिछला बनाया था बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें स्ट्रक्चर भी साथ में लगेगा। ये दोनों हमने डिक्लेयर कर दिया, अब ये देखिए दोनों ग्लोबल डिक्लेरेशन है, फिर हम वॉइड में चालू करेंगे। आज से हमारा जो मेन प्रोग्राम है सी का वो वॉइड में से ही चालू हो रहा है, उसका वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं यूनियन ABC पी, पी का पी जो है वो यूनियन का वेरिएबल है। इसके बाद हम प्रिंटर में सीधा साइज ऑफ यूज करेंगे, इसके बारे में मैंने पहले आपको नहीं बताया था, जब प्रोग्राम का आउटपुट हो जाते हैं मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यूज होता है। साइज ऑफ जो है वो किसी का भी साइज निकालने के लिए यूज होता है, पिछले प्रोग्राम में हमने निकाला था। ये होगी स्ट्रक्चर की वैल्यूज, अब सेम चीज जो है आपको प्रिंट भी करवानी है। यहाँ पे पिछले प्रोग्राम में हमने पहले
क्या लिखा था, एक एक करके प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे हम लोग, सात प्रिंट करा रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि डॉट वाई इज इक्वल टू कैंसिल बी स्लैश एन टू डॉट जेड इज इक्वल टू कैंसिल। इसके बाद ये हमें नीचे ही फिर इसकी लाइन है क्या क्या प्रिंट कराया था, टू डॉट एक्स कॉमा टू डॉट वाई कॉमा टू डॉट जेड। तो ये जो पूरी कहानी है वो स्ट्रक्चर की है, ऐसी ही कहानी हमको यूनियन की भी बनानी है। हम यूनियन के लिए सेम चीज देखेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं यूनियन और स्ट्रक्चर का साइज। तो साइज ऑफ यूनियन इक्वल्स टू पर्सन बी कॉमा साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके यूनियन ए बी सी। तो बाय डिफॉल्ट हम तो साइज देखेगा। उसके बाद वही काम जो हमने पिछली बार किया था, पी डॉट ए इक्वल्स टू बी बी, पी डॉट बी इज इक्वल्स टू 100 और पी डॉट सी इज इक्वल्स टू 11.5। वैल्यू चेंज कर देते हैं, टू रिटर्न में स्लैश एन करके पी डॉट ए इज इक्वल्स टू परसेंट डी स्लैश एन पी डॉट बी इज इक्वल्स टू परसेंट डी स्लैश एन और पी डॉट सी इज इक्वल्स टू परसेंट एफ। क्या प्रिंट कराए, पी डॉट ए कॉमा पी डॉट बी कॉमा पी डॉट सी। खत्म हुआ है हमारा यहाँ पर लिखा लेट्स बात करो। उसके बाद मैं यहाँ पे हटा दूँ अभी इसको, यहाँ पे आउटपुट कैसे है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं पहले कि हमने दो इसमें स्ट्रक्चर और जो क्या है, ये स्ट्रक्चर और यूनियन जो है तो साथ में ही है। ये हमने स्ट्रक्चर यूनियन डिक्लेयर किया है यहाँ पे, ये हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया। दोनों का डिक्लेरेशन था वो ग्लोबल टाइप का था। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों का क्या हुआ, वेरिएबल का डिक्लेरेशन हुआ यूनियन और स्ट्रक्चर के। फिर हमने यहाँ पे जो साइज ऑफ ऑपरेटर है, साइज ऑफ ऑपरेटर का काम होता है सी में कि वो किसी भी वेरिएबल का साइज निकाल के आपको देता है अकॉर्डिंग टू इट्स बाइट्स या वो मेमोरी में कितनी जगह लेगा। तो हमने स्ट्रक्चर का साइज निकाला पहले साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर दिया। हम जब साइज ऑफ लिखते हैं उसके अंदर किसका निकालना है साइज, तो वो ऑटोमेटिकली हमको साइज निकाल कर बता देता है। अब क्योंकि जो एक्स था वो कैरेक्टर टाइप का था, ये देखिए, इसलिए बी बार जो था वो इंटीजर था, तो 100 और जेड जो था वो टोटल टाइप का था, इसलिए 9.25 था। और सारी वैल्यूज को हमने स्लैशन करके एक सब प्रिंट दे दिया, तो इस स्लैशन की वजह से सब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया। सिमिलरली यूनियन के लिए हमने साइज ऑफ ऑपरेटर लिखा हुआ है और सेम चीज़ हमने यूनियन के लिए भी की हुई है। तो इसका आउटपुट जो हमको मिलेगा वो मैं आपको यहाँ से मैं बताती हूँ कि कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर प्रिंट करा रहे हैं, तो आउटपुट में आएगा साइज ऑफ स्ट्रक्चर सेवन, ठीक है। उसके बाद क्यू डॉट एक्स जो है वो बी है, क्यू डॉट वाई इज इक्वल टू 100 और क्यू डॉट जेड इज इक्वल टू 10.2। ये हमने यहाँ प्रिंट कराया था, इसकी वैल्यू एज इट इज प्रिंट होगा। उसके बाद हम प्रिंट करा रहे हैं साइज ऑफ यूनियन, तो साइज ऑफ यूनियन आएगा आपका 4, फिर आएगा पी डॉट ए इज इक्वल टू बी, पी डॉट बी इज इक्वल टू 100 तो यहाँ पर देखिए कि स्ट्रक्चर का साइज 7 है और यूनियन का साइज 4 है। तो मैंने आपको इसके पहले एग्जाम्पल में बताया था कि स्ट्रक्चर जो है वो सारे वेरिएबल्स को अलग अलग लोकेशन देता है, तो टोटल साइज उसका कितना हुआ, इंट का 2 बाइट, फ्लोट का 4 और कैर का 1 में लग के, तो तीनों को प्लस करेंगे 4+2+1 तो वो 7 आएगा। इसलिए स्ट्रक्चर का साइज उसने 7 दिया है। यूनियन का साइज 4 इसलिए दिया है कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहती है किसी वेरिएबल की, किसी डेटा टाइप की, वो मैक्सिमम वैल्यू में उसके अंदर काफ़ी डेटा टाइप
ये जो है ये यूनिवर्सल्स वाला पार्ट हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें और कुछ ऐसा बताने का नहीं है। बाकी फंक्शंस, एरे, ये सब कैसे होता है स्ट्रक्चर में यूज, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।